शिक्षकों की छुट्टी पर कैंची चलाने के बाद बिहार सरकार का एक नया फरमान जारी किया गया है और ये फरमान ये है कि सभी शिक्षकों को 16 से लेकर 21 तारीख तक प्रशिक्षण पर जाना है और ये तारीख दुर्गा पूजा की 10 दिन के अंतर्गत आता है, यानी कि दुर्गा पूजा के दौरान सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण पर जाना है और इसको लेकर अब बिहार में सियासत गर्म हो गई है, जहां पर विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मौजूदा सरकार पर ये आरोप लगा रही है कि ये सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, सनातन धर्म विरोधी है। सबसे पहले दुर्गा पूजा की छुट्टी भी काट ली गई है, रक्षाबंधन की छुट्टी भी काट ली गई थी, छुट्टियों पर कैंची चला दी गई थी और उसके बाद अब ये नया फरमान जारी किया गया है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये फरमान तुगलकी फरमान है और सरकार को तुरंत ये फरमान वापस लेना होगा। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम और मौजूदा समय में बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मौजूदा सरकार पर ये तंज कसा है और कहा है कि सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। जब मुस्लिम धर्म का कोई त्योहार आता है या रमजान आता है तो रविवार की जगह सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी कर दिया जाता है, लेकिन जब हिंदुओं का पर्व आता है, दुर्गा पूजा जैसा महापर्व आया है, तो इस समय बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को प्रशिक्षण पर भेजने की तैयारी कर ली है। 16 से लेकर 21 तारीख तक शिक्षकों का प्रशिक्षण है और इसके लिए 15 तारीख को ही सभी शिक्षकों को रवाना होना होगा और उस गंतव्य स्थान तक पहुंचना होगा जहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताते चले आपको, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ये भी कहा कि हिंदुओं का महापर्व होता है दुर्गा पूजा और इस अवसर पर हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं वो उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अगर उन्हें अपने घर से दूर जाना पड़ जाएगा तो वहां पर वो क्या पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ कर पाएंगे, ये बेहद ही ज्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ सरकार पर ये सवाल खड़े किए हैं कि अगर सरकार में हिम्मत है तो रमजान की छुट्टी काट ली जाए या फिर मुस्लिम धर्म का कोई भी ऐसा त्योहार हो तो उसमें छुट्टी काट कर दिखाए अगर सरकार में हिम्मत है तो। ये दावा सुशील कुमार मोदी का है। साथ ही साथ मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए ढेर सारा आरोप नीतीश कुमार और मौजूदा सरकार पर लगाया। साथ ही साथ महागठबंधन के तमाम दल आरजेडी सहित कई सारे दलों पर भी तंज कसा है। आरजेडी रामचरितमानस के विरोधी है। दरअसल यहाँ पर सुशील कुमार मोदी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के उस विवादित बयान के बारे में कह रहे हैं, वो विवादित बयान जो लगातार सामने आते रहता है, और प्रोफेसर चंद्रशेखर जो मौजूदा समय में शिक्षा मंत्री है वो कई बार रामचरितमानस को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं और इसी को लेकर आज सुशील कुमार मोदी ने महागठबंधन की सरकार पर तंज कसा और सवाल खड़े किए हैं। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।